सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। देखते पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, सचित दीवान रहे पंथ महाराज के। देखते पंथ की जीत, कल है और बड़े शांतमय तरीके नाल मैं समझा कि दिल्ली वर्गी धरती से जिते सिख ज़्यादा व्यापार करके ट्रैफिक था उत्थे बंदी सिंह की गल होना बड़ी वड्डी गल है कि गुरु साहब गुरु हरगोबिंद सिंह का आसरा लैके और जिहड़ा मोर्चा लगा उहदे विच करीब निकल के आई दिल्ली दे विच बहुत सारिया सिंह सभावां बहुत सारे जथे जिहड़े धार्मिक जथे आ गए उस तों बाद इंडिविजुअल जिहड़े लोग सीगे जिन्हां ने इस सपोर्ट की है और आने वाले समय में एक वड्डा जथा जिहड़ा दिल्ली दे विच घूम जा रहा है जिहड़ा बंदी सिंह की गल करेगा पंथ की गल करेगा कौम की गल करेगा और आने वाले जिहड़े पेश मुश्किल है हल जिहड़ा है इत्थे जिहड़ी दिल्ली टीम होगी और जिहड़ी जथेदार जगतार सिंह हवारा दी कमेटी हैगी वो मिलकर असीं सांझी करांगे और जिहड़ियां भी साडे नाल सहमत जथेबंदियां नाल लैके वड्डा पद्धर ते अंदोलन करांगे और बंदी सिंह साडी आस है बंदी सिंह गुरु साहब कृपा करनगे जेलां तों बाहर आउणगे देखो मैं समझा कि सरकार की सीधी बदमाशी हैगी है कि सरकार एक पक्ष तो बलात्कारियों और तीन साल की बिलकिस बानो की बच्ची कंध च पटक पटक के मारन वाले वो सत्त बंदियां मारन वाले बंदियां छड़ दिंदी हैगी गुजरात सरकार बड़ी शर्म की गल है और साडा सिर चुक जांदा बच्ची जिहड़ी हैगी चाहे हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई की बच्ची तो सारा सांझी हुंदी है और जुलम होना बच्ची ते बड़ी वड्डी उहदे नाल की गल है कल अनीता नाम की कुड़ी ते भी झारखंड की शायद सरेंद्र की जिहड़ी कमेटी है उत्थे भी होया असीं उहदी भी निखेधी करदे हां असी हरेक बच्चे ते होर जुलम की निखेधी करते हैं और दूसरी गल असी करते हैं कि सरकार जे इस तरह ही पक्षपात कर देगी वो फिर वो गल नहीं इन्हें विश्वास करेगा सबका साथ सबका विकास वाली गल खत्म हो गई हूँ अपना विकास इन्हों का है मतलब कि अपना विकास है सब का नहीं है सिखा ना वितकरा किया जा रहा जवाब मिलेगा इन्हों जिहड़ा जे कांग्रेस ने पहले वितकरा किया दरबार साहब से फौज टैंका टैंक चढ़ा के तुप चढ़ा के काल तक हटाया सगा और गुरु साहब ने कांग्रेस को किसी जमीन से ला खड़ा किया तरले मारन ने सारे आपस जुड़ो जुड़ी तो आप बोधे बोधी हुए पे गए कांग्रेस ही जिहड़े बंदे खड़ा धक्का करनगे उन्हां दा भी यही हाल है नहीं देखो बंदी सिंह जी पंजाब की सरकार हैगी दायर खिते जिहड़ा हैगा कि वो माफ कर देन मैनूं लगता नहीं हैगा पंजाब सरकार तो वो गोंगलों तो मिट्टी झाड़ेगी भी वो कदे कोई जेब कतरा छड़ता कितने चोर चक्का छड़ता मैं कहना कि पंजाब सर ऐलान करे ना असीं भाई जगतार सिंह हवारा ट्रांसफर करांगे दिल्ली तो पंजाब ये करे ना जे भगवंत मान च दम हैगा जे बाकी पंजाब दे विच दम हैगा कि वह ऐलान करे कि असीं दिल्ली तो जथेदार जगतार सिंह हवारा ट्रांसफर करके लवांगे वो ऐलान करे कि बंदी सिंह जिहड़े जिन्हां दी प्रो रोकी आ लखविंदर सिंह ते भाई शमशेर सिंह भाई लखविंदर सिंह प्रो रोकती हैगी वो कहते छुट्टियां नहीं मिलनियां बंद करती इन्होंने पहले छुट्टियां मिलदियां नहीं मिलदियां हुण और इन्होंने रोक लाती है और इंसाफ सिखा ना करन जिहड़ी गल करदे आ वो मैनूं लगदा कि किते धोखे लगे अगला कदम असीं सलाह करके जथेदार साहब दे हुक्म नाल करांगे।
ताकि किसी को आवाज उठाने की ना पड़े। वहां के जंतर मंत्र देखो, साडा मसला है सी कि जेड़ा बंदी सिंह दी रिहाई होनी चाहिए है, उहदे पिछे असीं एक महीने तो धरना ला के बैठे सी, मोर्चा लगा के बंगला साहब, अज उस मोर्चे की समाप्ति की है और असी जंतर मंत्र दे विच अज प्रोग्राम कर रहे हैं और असी प्रधानमंत्री नूं एक चिट्ठी देण जा रहे हैं और इस चिट्ठी दे विच डिमांड करन जा रहे हैं कि एक नैशनल प्रिजन कमीशन बनना चाहिए है, क्योंकि जिवें विमेन कमीशन है, माइनोरिटी कमीशन है, एससी कमीशन है, होर कमीशन बने ने, इस तरह नैशनल माइनोरिटी नैशनल प्रिजन कमीशन बनना चाहिए है, क्योंकि जो रसूखदार लोग ने वह तो इन्हां जेल सुधार का फायदा चुक के पैरोल भी लै जाते हैं, फरलो भी लै जाते हैं और रिहाई भी लै जाते हैं, पर साडे सिख बंदियां तक उहदा फायदा नहीं मिलता और मनुखी अधिकारां दी रक्षा लई इह जरूरी है और असी इसनूं अगली लड़ाई जी कानूनी तरीके ना भी लड़ांगे, समाजिक तरीके ना भी लड़ांगे और सियासी तरीके ना भी लड़ांगे और इसको अंजाम ते पहुंचा के बंदी सिंह की रिहाई जी है वह सुनिश्चित करांगे। पिछले कुछ समय श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने प्रोटेस्ट किया, कर रहे हो उन्होंने प्रोटेस्ट किए देखते हो, आप प्रोटेस्ट किए देखते हो? ठीक है, देखो वो सियासी पार्टियां का प्रोटेस्ट सी, प्रोटेस्ट की एक अपनी गल सी, उन्होंने अपना कैडर है, पर इतने आम लोग आ रहे हैं जो इंसाफ पसंद लोग ने जो चाहते हैं कि बंदी सिंह रिहाई होनी चाहिए, तो इस वास्ते ये प्रदर्शन उन्होंने अलग है, एक जथेबंदी कर रही है जिसका कोई सियासी मंतव नहीं है, यदा मंतव सिर्फ और सिर्फ बंदी सिंह की रिहाई है और बंदी सिंह की रिहाई वास्ते अभी झूझ रहे हैं। दिल्ली के ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी भी जिन्हें 31 दिन तक लगातार मोर्चा लाया होगा, एक 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 जथेबंदी है जिन्हें 31 दिन लगातार मोर्चा भी फैलाया और गुरु कृपा करेगा कि असं प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई कार्रवाई कराने समर्थ रहेंगे। मैं समझ रहा कि दो धाराएं चल रही ने भारत कितने ना कि और जेड़े 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 रसूखदार लोग मैं हमने तुम जिक्र किया रसूखदारा के जेड़े सियासी रसूख वाले ने जेड़े पैसे वाले ने कितने ना कि हल कट के अपने निकल जाते हैं और साढ़े जेड़े सिंह ने उन्होंने इस गल का फायदा नहीं मिलता, एक भेदभाव की स्थिति है, असं उस गल समझ रहे हैं और उस तरीके ही उन्होंने अगे ओपरेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बंदी सिंह रिहा करने की गल नहीं, क्योंकि सेंटर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया ऑर्डर से कि तुम बंदी सिंह अपना टैररिस्ट एक्टिविटी वालू रिहा नहीं कर सकते और बलात्कारी नहीं कर सकते, जो गुजरात सरकार ने बलात्कारी उस दिन 15 अगस्त को उसे आजादी के अमृत महोत्सव के नाते रिहा किया, नजायज किया, गलत किया, उसका विरोध किया बार बार। मामला सरकार की इच्छा शक्ति से फसया होया और सरकार लटका रही ने, लमका रही ने, साडा हक बनता है जो नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नियम ने वो क्लीयर कहते हैं कि 20 साल भी अगर उग्रवादी गतिविधियां रहा 20 साल बाद रिहाई मंगने का हकदार है, साढ़े को 32 साल वाले 25 साल सारे आम बैठे ने तो 20 साल वाले तो टप गए हैं, तो इस वास्ते उन्होंने हक बनता रिहाई का और रिहाई होनी चाहिए। कानूनी तरीके लड़ांगे, सियासी तरीके लड़ांगे, हुण जिहड़ी असीं लोगों जागरूक करने में कामयाब रहे, एक महीना हजारा लोग साडे नाल जुड़े आ, उन्हां दे नंबर ने साडे कोल आए ने, लोग समर्थन कर रहे ने इस मुद्दे का, तो गुरु कृपा करेगा असीं अगे भी इस लड़ाई नूं अगे लैके जावांगे। साथ रहे हैं, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां भी अन्याय होगा, जहां भी अत्याचार होगा और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब भी और जहां भी आवाज उठेगी हम खड़े मिलेंगे, साथ मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। साथियों, मुझे अभी निकलना होगा। जंतर मंतर पहुंचे बंदी सिंह की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, बहुत बड़ा अन्याय है, इनमें जो 9 लोग हैं, जो 9 बंदी सिंह हैं, एक 1990 से बंद है, 7 लोग 1995 से बंद है और एक साथी 1997 से बंद है। अब आप लगाइए कि एक को 25 साल, जो बाकी और हैं उनको 27 साल, 7 लोगों को, और एक व्यक्ति को 32 साल हो गए, मतलब कोई सीमा भी होती है, और अभी तक उनके खिलाफ आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, मुकदमा अभी चल रहा है, कब तक लेके जाएंगे आप मुकदमों को? एक बात सोचिए जरा कि कल वो लोग मुकदमे में बरी हो जाएं, तो ये जो उनके 25 साल 27 साल 32 साल जेल में गुजरे हैं, उनके परिवारों ने जो भुगता है, जो अपमान समाज में होता है कि एक व्यक्ति अपराध में बंद है, उसका दंड कौन भुगतेगा? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी, कौन मुआवजा देगा? जबकि कानून कहता है, आप अगर देखें संविधान को पढ़ें, तो पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है, अगर नहीं पेश करेगी इल्लीगल कस्टडी हो जाएगी, गैर कानूनी
जो कस्टडी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर 90 दिन या जैसे भी कानून की व्यवस्था है 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं की जाएगी तो टेक्निकल ग्राउंड पर उसको छोड़ा जाएगा, वो गैर कानूनी उसकी जो है कस्टडी हो जाएगी। और यहाँ 25 साल से लेकर 32 साल तक लोगों को जेल में बंद किया हुआ, अन्याय की कोई सीमा है? क्या ये अदालतों को दिखाई नहीं देता? क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? क्या कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए? क्या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनानी चाहिए ताकि जिसकी सारी जो सजा वगैरह है उसके हिसाब से उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए जैसे वो खत्म हो जाए। लेकिन सवाल आप पर ये बनता है कि जगतार सिंह जी पे सिटिंग सीएम की हत्या करने का आरोप है, यदि कारण कोई भी रहा हो, क्या हत्या एक सलूशन है? क्या कारण कुछ भी हो हत्या ठीक है क्या? आरोप सिद्ध हुआ है क्या? अभी जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की है? नहीं, आप यही कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आरोप, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या आरोप सिद्ध हुआ? आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कानून हमारा कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए, वो एक व्यक्ति के मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, करता है वो कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और अभी श्री जगतार सिंह हवारा साहब पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कानून आगे ये भी कहता है कि जब तक सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोष है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब एक निर्दोष व्यक्ति को जो कानून ही कह रहा है, संविधान ही कह रहा है, कोर्ट जिस पर चलती है, और कोर्ट कहती भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज अ रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना एक नियम है और बेल को मना करना ये एक अपवाद है। बावजूद उसके आप 27 साल में नहीं दे रहे, आप जाके वहां से उनका वही मंगा लीजिए कि उनका व्यवहार कैसा है। और अगर आप जेल मैनुअल के तहत इस सबको जो है अकाउंट करोगे तो उसके हिसाब से तो इनकी सजा, जिनको 25 साल की सजा जो काट चुके हैं, वो सजा 35 साल से भी ज्यादा होगी जेल मैनुअल के हिसाब से। आप देखो उसे जरा पढ़ के, क्योंकि उसमें जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में दिन और रात काउंट होते हैं, तो इसी तरह से। और दिन और रात काउंट होने का मतलब यह है अगर एक साल कोई व्यक्ति जेल में सजा काट रहा है तो लगभग मानिए कि 3 महीने और उसमें जोड़ जाते हैं, यानी उसने एक साल के हिसाब से वो 15 महीने की सजा उसने काट ली है। यह है कानून। जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 दोषियों पे रहा किया गया, उससे पहले सांसद प्रज्ञा ठाकुर पे रहा किया गया, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये भेदभाव है भाई, उसी के संबंध में ये सारी चीजें हैं कि एक तरफ आप ऐसे अपराधी को रिहा कर रहे हो जो बाकायदा बम अटैक में, बम के हमले में अपराधी, और उस पर जब सारी चीजें हो गई, जब मुकदमा चल रहा है, उसके बाद उस टाडा के केस जो उसको खत्म किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर उसको एमपी बनाया जाता है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ वो हैं वो लोग 11 लोग हैं जिन्होंने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ में सरेआम गैंग रेप किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, 3 साल की बच्ची को पूरी तरह से मारा, उनको आपने छोड़ दिया, कह रहे हैं कि आप उनका व्यवहार अच्छा है, तो आप आपने जगतार सिंह हवारा साहब का व्यवहार देखा है? वहां हर कोई व्यक्ति जेल में उनको सम्मान देता है, उनकी बात को माना जाता है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, तो अगर व्यवहार से काउंट करते हो तो उन्हें क्यों नहीं छोड़े हो? जाति और धर्म से कोई संस्कारी नहीं होता, संस्कारी होता है अपनी शिक्षा से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से, और वो सामने दिखता है। और ये जाति और इससे जो साफ ही बात हो रही है कि इस देश में कहने के लिए संविधान है, कहने के लिए कानून है, लेकिन जो लागू हो रहा है वो मनुवादी कानून ही लागू हो रहा है, तभी ब्राह्मण की बात आई। मैं आपको दिखा सकता हूं इतने ब्राह्मण जो अपराध में जिनका कोई मुकाबला नहीं है, आप सब भूले तो नहीं होंगे जब एनकाउंटर हुआ था उसका विकास दुबे का, कितनी सारी चीजें सामने आई, तो आप इसे कैसे देखेंगे? कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म से संस्कारी नहीं होता, संस्कारी होता है अपने अच्छे गुणों से, संस्कारी होता है वो शिक्षा से, और संस्कारी होता है अपने आचरण से, अपने चरित्र से। आपने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या कानून में प्रावधान है कि आरोप सिद्ध नहीं हो तो इतनी लंबी भाई बिल्कुल कैसे ले जाएंगे आप भाई? कम से कम बेल तो दे सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि बेल इज रूल, तो आप और भाई जब होगा होता रहेगा मुकदमा, आप 27 साल हो गए, 32 साल और चलाओ आप 27 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी को आप बेल तो दें, आप कम से कम बेल पर तो रिहा करें, क्योंकि आप ही कहते हैं
कि जब तक सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति निर्दोष है। तो हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा। यहाँ पे सिर्फ संविधान ईमानदारी से लागू हो, संविधान के तहत कानून काम हो, सिर्फ इसी बात की मांग हो रही है, इसी बात के लिए आवाज उठाई जा रही है। सर, आप बंदी सिखों की रिहाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कर दिया गया, सरकार का कैसा दोहरा खेल है ये? देखिए, इसीलिए तो इस सब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर सरकार का चरित्र दोहरा नहीं होता, सरकार ईमानदार होती कानून के प्रति, संविधान के प्रति, तो वो न्याय होता। और ये तो और बड़ा जघन्य अपराध, मैं इसे रिहाई भी नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध सरकार ने किया है उन 11 के 11 को छोड़ के, जबकि वो गुजरात सरकार ही कहती है 2018 में उसने कानून बनाया है कि जो रेप और हत्या के बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, उनको 30-35 साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। आपने 18 साल में छोड़ दिया उनको। तो ये जो दोहरा चरित्र है, यह कानून का जो दोहरा रंग ये सरकार अपना रही है, उसी के प्रति लड़ाई है, उसी के लिए संघर्ष है। सरकार को क्या डर हो सकता है? स्वागत किया गया। सरकार को क्या डर हो सकता है? देखिए, सरकार के लिए जो डर है वो डर बहुत साफ है। ये जो लड़ाई है या ये जो सारी चीजें, ये राजनीतिक बंदी हैं। एक व्यक्ति, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसको जत्थेदार बनाने के लिए 10 लाख लोग आए, वो अगर ये बात कहते हैं कि ये हमारा जत्थेदार है, उसके प्रति और कितने लोग होंगे? आप समझिए कि मैं तो बहुत साफ कह सकता हूं, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो पंजाब में उनके अलावा कोई नहीं होगा, सारी सरकारों का सुपड़ा साफ हो जाना, वो जिसको कहेंगे वो। तो ये सब कुछ राजनीतिक और सियासी है। सारी जन समर्थन होना एक देखिए, हम इंसाफ और बराबरी की मांग कर रहे हैं, जो भारत के संविधान का सोल और रूह है। हम ये कह रहे हैं कि बंदी सिंहों के ऊपर जो इल्ज़ाम है, और जगतार सिंह हवारा साहब, जत्थेदार साहब का तो मैं वकील हूं, तो मुझे उनके ऊपर इल्ज़ामात का भी पता है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सज़ा नहीं हुई, तो वो कानून की नज़र में अभी तक बेगुनाह है। जिन लोगों को रेप के केस में, छोटी छोटी बच्चियों के रेप के केस में, हज़ारों लोगों को मार देने की साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ाएं हो चुकी है, जिनको राजीव जी को मारने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सज़ा होने के बाद छोड़ा गया है, तो क्या इंसाफ और बराबरी का तकाजा ये नहीं है कि बंदी सिंहों को भी छोड़ा जाए? तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। देश का संविधान ये कहता है, देश का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो बंदी सिंहों के हक मारी हो रही है, उनके जो हक के हिसाब से उन्हें अभी सबको बाहर होना चाहिए था, वो नहीं है बाहर, तो ये डिमांड एक जायज़ डिमांड है, ये डिमांड संवैधानिक डिमांड है, ये डिमांड ऐसी है कि भारत इससे मजबूत होगा, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ख़ास तौर पे ऐसा नहीं लगना चाहिए। और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कौन सी? सिख कम्युनिटी, जिसने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जिन लोगों ने ज़्यादा जघन्य अपराध किए हैं और जिनके ऊपर अपराध साबित भी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक से, उन्हें तो छोड़ा जा रहा है सरकार द्वारा, पर सिख लोगों को, जिनके साथ सबकी, पूरी सिख कम्युनिटी की नहीं, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा मैसेज नहीं जा रहा। पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो जत्थेदार साहब पे इल्ज़ाम है, वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने ये किया भी है तो ठीक किया है, जो बेअंत सिंह की हत्या हुई है वो अगर उन्होंने की भी है तो वो ठीक की है, तो इस पब्लिक परसेप्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं वकील हूँ, संविधान का मानने वाला हूँ, मैं पब्लिक परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये पब्लिक परसेप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। पब्लिक परसेप्शन ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही जगह पे, एक ही स्थिति में दो लोग या दो ग्रुप्स खड़े हैं, तो एक ग्रुप के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस पर पब्लिक परसेप्शन को होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन लोगों को सजाएं दी हैं? नहीं दी, फिर ये जेलों में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुका है कि अगर पूरा जो ट्रायल, कानूनी प्रक्रिया है, वो ख़त्म होने के चांस नहीं है, तो आधी सज़ा के बाद ही छोड़ देना चाहिए, ये बार बार बात कही जा रही है। जघन्य से जघन्य अपराध हो, जब भी पूरी कानून में सज़ा हो चुकी है, तो छोड़ देना चाहिए।
तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? ये है जो सवाल है कि ये उनके बारे में ये पूछा जाना चाहिए सवाल। पब्लिक परसेप्शन किसकी क्या है वो देखिए, ऐसा है कि पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इस बात को कह सकता है, पर हमारा जो सवाल है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो खालिस है, प्योर है, एकदम ऐसा है जो निष्पक्ष है। हम कोई ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं डेवलप करना चाहते जो निष्पक्ष ना हो। ये जो हम बात कर रहे हैं वो निष्पक्ष है, संवैधानिक है, कानूनी है। बाकी जिसको अपनी जो भावनाएं रखनी है वो रखे। कुछ लोग ये भी भावनाएं रखते हैं कि इंसान को इंसान से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये मनुवाद की परसेप्शन है। तो जो मुट्ठी भर लोग मनुवादी हैं वो तो ऐसा भी सोचते हैं, उन सब बातों में हमें नहीं जाना है, बराबरी और इंसाफ की बात करें। आपने 3 महीने कहा है कि इतने लंबे समय से नहीं बा रहे हैं, तो 3 महीने में कैसे लग रहा है आपको? 3 महीने में देखिए, ये 3 महीने तो मैंने आउटर लिमिट बताई है। अगर ईमानदारी से जो इंसाफ, सच्चाई और हमारे देश का संविधान मानने वाले लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से जो हमारे संविधान ने रास्ता दिखाया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सरकार भी काम ठीक ना करे, तो हमारे संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खास तौर पे कमज़ोर वर्गों को ये रास्ता दिया है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जनता की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी, एक मिनट, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस भी कह चुके हैं कि जनता आगे आए, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करे, मतलब न्याय की रक्षा करे। तो जनता को आगे आना है। जगतार सिंह हवारा साहब जो जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, उनको मानने वाले दुनिया भर में इतने लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से प्रोटेस्ट शुरू करें आज से, तो 3 महीना बहुत लंबी तारीख है, बहुत जल्दी वो सब लोग बंदी सिंह बाहर। विश्वास करते हैं सर जी? आप लोग तो कहते हैं कोर्ट पे विश्वास नहीं है। हमने ऐसा कब कहा? हमें न्याय व्यवस्था पे सबसे ज्यादा विश्वास है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज को। ये जो दबाव हो रहा है ना इन न्याय व्यवस्थाओं पे, देश की CBI पे, ED पे, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि ये देखो जेड़ा है बंदी सिंह की रिहाई वास्ते 1 महीने तो 30 जुलाई तो 31 जुलाई तो 30 अगस्त तक मोर्चा चलिया। बंदी सिंह की रिहाई वास्ते मोर्चा लाया सी ता के संगतां जागरूक हो जाण, उन्हां नूं पता लगे भी बाकी जिहड़े सिखां दे बंदी सिंह है उन्हां नाल धक्का हो रहा, क्योंकि वह सजावां भी पूरियां कर चुके हैं पर उन्हां दी रिहाइयां नहीं हो रही। एक पासे वह है भी जिन्हां दी जिस तरह सौदा साध है उन्हूं उम्र कैद की 2 सजावां हुंदियां बलात्कार च, कतल दे केसां विच, पर उन्हूं 1.5 साल बाद फरलो मिलती है जिहड़ी कानून तौर ते गैर कानूनी है। फरलों का हक उन्हों कोई बनता नहीं पर उन्होंने फरलों दी जा रही है। एक पासे बिल्स कुमानो है जिहड़ी, उहदा केस है कोर्ट वालों जिहड़ी सज़ा मिली सी, वह सज़ा भी अजे पूरी नहीं, वह उम्र कैद सज़ा मिली सी उन्होंने, पर सरकार उन्हों की पक्की रिहाई करती उन्हों की, किन्ना सरोसर धक्का। इस करके इन्हां जिहड़ी न्यायपालिका ना उस चो सिखां दा विश्वास उठता जा रहा, क्योंकि सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। जे ये देश वास्ते बहुत चिंता वाला विषय, जे न्यायपालिका इस तरह मूक दर्शक बन के देखती रही भी जेड़े उहदे फैसले सुनाए हुए हैं, भावें जिन्हों उम्र कैद देती, उम्र कैद तो भी डबल कट चुकिया, पर कोर्ट उहदी रिहाई नहीं कर रही। एक पासे वो है जिन्हों सजावं मिल चुकियां परंतु वो साल दो तीन साल कटिया, उन्होंने पक्की रिहाइया हो रही। इस करके न्यायपालिका चो जिहड़ा घट गिणती का विश्वास उठ जाना, जिहड़ा आने वाले समय च चिंता का विषय होएगा, ये देश को टुटण के किनारे जाके खिलावेगा। इस करके कोर्टा को इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम है जिहड़ा, वह सिस्टम है भी न्यायपालिका, न्याय हर एक बराबर का न्याय मिलना,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ